नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस सेवन न्यूज। आपने बर्थडे तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज इकरामुल शिवानी जो ऑलरेडी यहां पर सदर अस्पताल में आए हैं और गरीब दुखिया को इस गर्मी में पानी और मुंह मीठा करा रहे हैं, जो उनका बर्थडे है और बर्थडे के दिन सोचे कि क्यों नहीं, अकेला मनाने में कोई केक काटने में मजा है नहीं, तो आज आकर जो गरीब हैं, दुखिया हैं, या इसी सरकारी अस्पताल में आकर यहां पर पानी वितरण कर रहे हैं और मिठाई काट रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष समाज सेवी श्रीनिवास यादव भी मौजूद हैं। मतलब सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम इकरामुल शिवानी है और मैं आज, कल था मेरा बर्थडे तो कल टाइम नहीं मिल पाया, तो आज हम अपना बर्थडे मना रहे हैं। कि हमने सोचा कि बहुत सारे आदमी बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, तो हमने सोचा सबसे अच्छा है कि सदर अस्पताल में जाए और एक दूसरे से मिले और पानी का वितरण करें और मिठाई लोगों को खिलाएं। ये पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले भी किया? इसके पहले एक बार और मैं किया था, कोविड से पहले, कोरोना से पहले किया था, और उसके बाद ये दूसरी बार कर रहा हूँ। क्या इस अस्पताल से आपका मतलब कोई जुड़ाव है? जी जी, इससे पहले मैं 2018 या 19 में यहाँ पे मैं सदर हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ। मैं परीक्षण में था, 6 महीने के लिए आया था, फिर मेरा जॉब कंप्लीट हो गया तो फिर मैं चला गया। ये वितरण कर रहे हैं, आप लोगों को कैसे लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इनसे पहले से परिचय है आप लोग से? मुझे खुशी हो रही है कि सर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि लोगों को थोड़ा सस्ता मिले। इनसे पहले से आप लोग जुड़े हुए हैं? जी नहीं, फर्स्ट। आप लोग का नाम? मेरा नाम है। संगठन प्रभारी राजू यादव जी मौजूद हैं, उनसे भी बातें करेंगे। ये कैसा लग रहा है हॉस्पिटल में आकर, वो अपने मतलब बर्थडे के दिन वो लोगों को मिठाई खिला रहे हैं और साथ में पानी पिला रहे हैं। सबसे पहले यस सेवन न्यूज देखने वाले सभी समस्त जनताओं को मेरे तरफ से हार्दिक नमस्कार और इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे जीवन में सामाजिक सरोकार से जुड़े रहें और सामाजिक सरोकार से जुड़कर आम जनमानस के जीवन और जिंदगी को संवारने में और उन्हें ऊंचा मुकाम हासिल करने में, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इनका अगला जन्मदिन भव्य तरीका से इस सदर अस्पताल में होने का काम है। यह है सदर अस्पताल और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष समाज सेवी श्रीनिवास यादव, जो पर्चे के मोहताज नहीं है इस अस्पताल के लिए, हमेशा वो तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हालांकि बड़ा सभा आज की है, बर्थडे पर मुंह मीठा करा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो डिसीजन लिए सदर अस्पताल में करने के लिए, हम तो बहुत इनको मैंने बधाई देते हैं दिल से, कि इस तरह का सोच जगह, ये ऐसा जगह है कि हर इंसान दुख के समय ही पहुंचता है, आ यहाँ से खुशी होकर निकलता है। इसलिए कि जो दुख कष्ट होता है फिर यहाँ इलाज होता है, इलाज के बाद निकल जाते हैं। ये भी बेचारे सदर अस्पताल में काम किए हैं, इनको समझ में आ गया कि नहीं, हमारा खुशी है गम एक साल बने, इसे और बेहतर व्यवस्था करे, कि ताकि उस समय भी सदर अस्पताल में अगर कोई है, कोई व्यक्ति होगा, पेशेंट होगा, उसको भी मुंह मीठा करने का काम करेंगे, कि आने वाले समय में फिर दूसरा कोई व्यक्ति अगर अपना जन्मदिन मनाएगा तो निश्चित तौर पर सदर अस्पताल में मनाने काम करेगा। बाकी उस बार हम चाहेंगे कि मिठाई से न मनाए, जो सदर अस्पताल में जो कमी है, जो दवा की कमी होती है, अगर दवा का व्यवस्था कर देंगे, जितना ही है जो यहाँ नहीं मिलता है वो उपलब्ध करा देंगे अपने जन्मदिन के नाम पर, तो जितना लोग इलाज कराने में दवा उठाएंगे तो जरूर इनको दुआ करेंगे। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन एक बात और हम पूछेंगे कि आज इतने बड़ी, देखिए यहाँ पर समाज सेवी श्रीनिवास यादव उनका मुंह मीठा करा रहे हैं क्रामुल जी का, और एक बात पूछेंगे आपसे कि इतना बड़ा आज, सर आपसे एक बात और रहेगा कि इतना बड़ा आज सभा किए हैं आज गांधी ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और बिहारी जी का नामांकन था, इसके लिए आप टाइम निकाल लिए है, अब इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, कोई भी इंसान काम करता है तो वो इंसान को अगर जुनून होगा न तो निश्चित तौर पर करते रहेगा, थकता वो आदमी जिसका काम सॉलिड होता है। जैसे आपका दो घंटा से चार घंटा ड्यूटी हुआ, दस से, जैसे कि 10 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई ड्यूटी करता है, 8 घंटा का ड्यूटी करता है न, तो आदमी का दिमाग माइंड मेकअप हो जाता है कि अब 8वां घंटा जैसे पूजेगा और चले हरासमेंट हो गया। बाकी जो समाज सेवा करता है उसका कोई ड्यूटी नहीं, 24 घंटा आप तत्पर रहते हैं काम करते हैं। हाँ, एकदम 24 घंटा तत्पर है। ये थे समाज सेवी, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उनके मित्र एक हैं, उनसे भी बातें करते हैं। आपके मित्र ऐसे काम कर रहे हैं, आपके रिलेटिव ऐसे काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बता दें सबसे पहले आपके यश 7 न्यूज को जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं,
उन सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। और ये हमारे खास के दिलशेर भाई, क्यों ना हम अपने बर्थडे पर कुछ पानी और मीठा वितरण करें, मतलब लोगों के बीच सदर अस्पताल में। तो बोले हाँ हाँ बढ़िया डिसीजन है, आप बांटिए। तो कल हमारे वजह से हम नहीं आ पाए, घर पे थे, तो हमारे वजह से कल इनका बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं मना। तो हम करीब लगभग 26-27 किलोमीटर दूर से अपने गांव बेदवलिया से चलकर यहां पर आए और आपको हम खबर किए कि फिरोज भाई यहां पे ऐसा ऐसा कवरेज करना है, तो आप बोले ठीक है, हम आई एम रेडी। मतलब बेदवलिया से आए हुए हैं, उनके मित्र हैं, और ये अच्छा निर्णय था उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना, जितने भी यहां पे हॉस्पिटल में लोग हैं उनके साथ। धन्यवाद। Thank you.